नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कोरोना लाइव अपडेट्स। तो कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि 4 अप्रैल को 1,03,000 नए कोरोना के केसेस आए थे। अब बात करते हैं कोरोना से संबंधित आज के 5 बड़े अपडेट्स के बारे में। तो अगर हम सबसे बड़ा पहला अपडेट इसके बारे में बात करें तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 1,15,736 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 630 लोग पिछले 24 घंटे में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि 59,856 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरे अपडेट की यहाँ पे बात कर ले तो दूसरा बड़ा अपडेट है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त हो गई है। अब हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है, कार में अकेले बैठने पर भी अब मास्क लगाना जरूरी होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते तीसरे अपडेट की बात करते हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पंजाब में 80% जो मामले हैं कोविड-19 के वो यूके वेरिएंट के कारण है, जिसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की गई है। आप सभी को बता दूं कि यूके वेरिएंट ना सिर्फ ज्यादा ट्रांसमिटेबल है यानी ज्यादा फैलता है, उसके साथ ही ज्यादा घातक भी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे अपडेट की। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU के डायरेक्टर डॉक्टर विपिन पुरी एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं KGMU के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु समेत 40 अन्य डॉक्टर भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पांचवें अपडेट की यहाँ पे बात करते हैं तो अमेरिका में अब 1 मई के बदले 19 अप्रैल से देश में 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में भी लगातार इसकी मांग की जा रही है। आपको याद होगा कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर इसे इनकार कर दिया है। कहा है कि अभी ज्यादा जोखिम वाले लोगों को ही टीका लगाने पर फोकस किया जा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर और यहाँ पर आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 8,00,000 से ज्यादा यहाँ पे एक्टिव केसेस नजर आ रहे हैं। डिस्चार्ज की बात करें यानी लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है। 1,17,00,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौतों का आंकड़ा, ये जरा चिंता का विषय है क्योंकि 1,66,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। टोटल वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का अभियान जोरों शोरों पर यहाँ पे चल रहा है। 8,70,00,000 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। अब राज्य के अनुसार यहाँ पर बात करते हैं और लगातार जो हॉटस्पॉट बना हुआ है वो आप सभी को मालूम होगा। जी हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करें अब तक कुल केसेस की यहाँ पर तरफ नजर डाले तो 7,73,000 से भी ज्यादा कुल यहाँ पे मामले आ गए हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस एक तरीके से देखा जाए तो बेकाबू हो चला है और नए मामले हर दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,000 से भी ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि 297 लोगों की जान चली गई थी। बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में औसतन 50,000 के करीब ही मामले सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन सिर्फ मुंबई और पुणे में ही 10,000 नए केसेस सामने आए। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक समेत कई जिलों में लगातार हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बात यहां पर अगर पुणे की करें तो यहां तो हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि खुद नगर निगम ने सेना से बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए मदद मांगी है और यह भी दावा किया जा रहा है कि सेना ने मदद करने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। आगे चलते हैं, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की करते हैं क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं तो जो नए हॉटस्पॉट बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पर मामले हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 9,921 नए मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ गया है। कुल एक्टिव केसेस में भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ टॉप 2 राज्यों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली एनसीआर में 17,000 से ज्यादा कुल मामले यहाँ पर हो गए, 17,332। तो देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गई है, जैसे कि आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं।
बीते दिन दिल्ली में 5,100 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए, जो कि नवंबर 2020 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5,482 मामले सामने आए थे, उसके बाद बीते दिनों ही सबसे बड़ी उछाल दर्ज हुई है, तो ये भी यहाँ पे चिंता का सबब बनी हुई है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर राज्य की सरकार इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती कर रही है और नए नियम भी बना रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलती हूँ मैप पर, और मैप के जरिए मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पर सख्ती की गई है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे नई दिल्ली की कर लेते हैं, दिल्ली NCR, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मामलों में उछाल नजर आ रहा है। तो मंगलवार को राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने की योजना से इनकार कर दिया है। अब आपको यहां पर मैं लेकर चलती हूं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दोपहर के समय धारा 144 लागू की गई है, साथ ही में नाइट कर्फ्यू है, यानी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अब आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात में इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हालातों को देखते हुए बताया कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच राज्य के 20 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा और शादियों में 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी। वहीं राज्य में होने वाले भव्य आयोजनों पर भी 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको बता दूं मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिलों यानी इंदौर, इसमें हो गया भोपाल, जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी है। आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात कर लेते, तो राज्य के दुर्ग, राजनांदगांव आदि इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बात यहाँ पर कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में इस वक्त क्या कुछ है। यहाँ 6 से 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। अंत में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से नाइट कर्फ्यू लगाने की भी बात कही है। तो अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पे भी जल्द नाइट कर्फ्यू लग जाए। तो देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से अपने पैर पसार रही है, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कह दिया है कि कोरोना वायरस महामारी की तीव्रता पिछले वेव के मुकाबले ज्यादा है, पिछली बार के मुकाबले तेजी से महामारी फैल रही है, इसलिए आने वाले 4 हफ्ते सभी के लिए बहुत ज्यादा नाजुक है। साथ ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगले 4 हफ्तों में महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित रखने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है, आप सभी स्वस्थ रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें, अपना ख्याल रखें और याद रखें कि कोरोना अभी जिंदा है और कोरोना के आंकड़े लेकर कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। और साथ ही में कोरोना वैक्सीन से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.tv9hindi.com पर। कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका कब लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप दूसरी डोज की तारीख याद रखें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।